बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद राम शरण यादव महापौर बन चुके हैं। राम शरण यादव का मेयर पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। दरअसल बीजेपी पार्षद दल ने चुनाव प्रक्रिया बहिष्कार कर दिया था, साथ ही सभापति चुनाव प्रक्रिया से भी दूरी बना ली थी। कांग्रेस ने मेयर पद के लिए पार्षद राम शरण यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस तरह बिलासपुर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस के रामशरण यादव बिलासपुर के मेयर बन गए हैं। बता दें कि बिलासपुर के कुल 70 वार्ड में से कांग्रेस के 34 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 30 पार्षद हैं, 5 पार्षद निर्दलीय हैं। इनमें से कांग्रेस को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला है। वहीं वार्ड 29 से निर्वाचन शून्य कर दिया गया है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी शेख गफ्फार का निधन हो गया था, वो वार्ड नंबर 29 से निर्वाचित हुए थे। आज पार्षदों ने शपथ ग्रहण के बाद दिवंगत शेख गफ्फार को श्रद्धांजलि भी दी। इधर बिलासपुर के नव निर्वाचित मेयर रामशरण यादव ने आईबीसी 24 से खास बातचीत में जीत के लिए खुशी जताई है, साथ ही सभी को साथ लेकर शहर के विकास करने की भी उन्होंने बात कही है। मेरे तरफ से और मेरे कांग्रेस के परिवार के तरफ से आईबीसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पे 5 साल में लगातार बिलासपुर को प्राथमिकता के आधार पर काम करते आ रहे हैं। अब चूंकि सरकार नगर निगम की सरकार भी कांग्रेस की है और राज्य में भी सरकार अपनी है, तो इस शहर में विकास की नदी बहेगी।